अस्सलामु अलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाने वाले हैं हरे लोबिया की कड़ी। ये इस तरह की होती है हरी लोबिया, ये फली होती है हरी लोबिया की, इसे चौला फली भी कहते हैं। इसको हमने छील के दाने निकाल लिए हैं इसके सब। इसको हम भूनेंगे मसाले के साथ। इसमें हम शामिल करेंगे एक कटोरी बेसन, एक और आधा कटोरी इसमें दही का शामिल करेंगे, लाल मिर्च पाउडर जाएगा इसमें, हल्दी पाउडर जाएगा और बघार में जीरा डालेंगे। अब बता, 2 टेबल स्पून तेल डालेंगे। तेल गरम होने देंगे। अब इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच जीरा, चम्मच भर के मिर्च पाउडर, पौना चम्मच हल्दी पाउडर, थोड़ा सा भूनेंगे इसे, पानी शामिल करेंगे। मसाला अच्छी तरह भून चुका है। अब इसमें हम लोबिया शामिल करेंगे। थोड़ी देर भूनेंगे। इसको ढक के गलने के लिए छोड़ देंगे। लोबिया हमारा गलता है जब तक हम इसके लिए घोल की तैयारी कर लेते हैं। एक कटोरी बेसन शामिल करेंगे, ये दही शामिल करेंगे, ये 1.5 कटोरी दही है, इसका हम स्मूथ रोल तैयार करेंगे। थोड़ा पानी शामिल करके अब इसका पेस्ट तैयार हो चुका है। से 7 मिनट हो चुके हैं। अब देखते हैं लोबिया हमारा गल चुका होगा। इसे हम ऐसे देखते हैं, देखिए लोबिया गल चुका है हमारा बिल्कुल। अब इसमें एक घोल जो हमने तैयार किया था शामिल करें। और दही का जो हमने घोल बनाया था वो इसमें शामिल कर दिया है। नमक शामिल करेंगे इसमें, हसबे जायका नमक शामिल करेंगे। ऐसे 1 चम्मच हम नमक का डाला है। इसे 1/2 घंटे पकाएंगे। इसे हिलाते रहेंगे बराबर, ढकना नहीं है इसमें। 1/2 घंटा पकने के बाद में हम आपको बताएंगे। फिर 1/2 घंटा हो चुका है, हमारी लोबिया कड़ी तैयार है। इसकी निशानी यह है कि इसके ऊपर जो ये लाल कलर आया हुआ होता है इसको फूल बोलते हैं। लाल फूल आ जाता है ऊपर तो समझिए आपकी कड़ी तैयार है।
टेस्टी लगती है कड़ी। एक बार आप बना लेंगे पकौड़ों की कड़ी तो भूल जाएंगे। अब इसमें हम बघार करते हैं प्याज को। प्याज शामिल करेंगे, दो हरी मिर्च करेंगे, गोल्डन ब्राउन होने तक इसे पकाएंगे। इसमें निकालते हैं इसको डिश में। तैयार है हमारी अच्छी लोबिया कड़ी। इतना अच्छा कलर आया देखें। लोबिया कड़ी आप इसको जरूर बनाइए और नौश फरमाइए।